वेलकम दोस्तों, ऐसे मित्र कोर्स ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएम उज्ज्वला योजना 2024 के बारे में। तो दोस्तों अभी हाल ही के अंदर लेटेस्ट अपडेट आया है पीएम उज्ज्वला योजना को लेकर, तो दोस्तों उसी से संबंधित हम संपूर्ण बातें इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पीएम उज्ज्वला योजना के अंदर आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और दोस्तों पीएम उज्ज्वला योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए और पीएम उज्ज्वला योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो सभी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों ये एजुकेशन चैनल है, इस पर आपको सरकारी नौकरियों के बारे में और दोस्तों सरकारी योजनाओं के बारे में अपडेट मिलती है। तो दोस्तों पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में क्या बताया गया है, वो सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। भारत सरकार द्वारा देश की गरीब महिलाओं को रसोई से जुड़ी सहायता प्रदान करने और उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पीएम उज्ज्वला योजना बनाई गई है और लगभग सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। अगर आपको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको इस वीडियो के अंदर संपूर्ण बातें पता चल जाएगी और आप भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को की थी और तब से ये योजना लगातार सफलतापूर्वक चल रही है। अगर आप भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वीडियो में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये आपके लिए उपयोगी है। इस योजना के तहत केवल वही महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकती है जिनके पास आवश्यक पात्रता है और उनके पास आवेदन से संबंधित सभी उपयोगी दस्तावेज है, क्योंकि योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा और आपका आवेदन तभी पूरा होगा जब आपके पास दस्तावेज और पात्रता होगी। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत लाभ पाने के लिए आप सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं इसकी आधिकारिक की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं करती है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए लाभ के लिए आवेदन करना आवश्यक है। इसके अलावा जो महिला इस योजना के अंतर्गत आवेदन को सफलतापूर्वक पूरा करती है तो उन्हें सरकार द्वारा फ्री गैस कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, जो उनके रसोई से संबंधित कामों में मददगार साबित होगा। आप सभी महिलाओं की मदद के लिए वीडियो के तहत आवेदन प्रक्रिया भी बताई गई है कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका पालन करके आसानी से आवेदन पूरा किया जा सकता है। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभ। इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत सभी लाभार्थियों को फ्री गैस कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ पाकर महिलाओं की रसोई से जुड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। इस योजना का महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इससे भारी वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाएँ चूल्हे के धुएँ से बच सकती है। पीएम उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि पीएम उज्ज्वला योजना के लिए क्या पात्रता है। इस योजना के तहत केवल महिलाओं को ही पात्र माना जाता है। योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि आपके पास पहले से ही गैस कनेक्शन है तो आप इस योजना के तहत पात्र नहीं माने जाएंगे। आवेदन करने वाली महिलाओं के पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए। पीएम उज्ज्वला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो पीएम उज्ज्वला योजना के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके पास होने चाहिए, तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आदि, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि पीएम उज्ज्वला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो पीएम उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब वेबसाइट के मुख्य पेज पर आपको होम पेज पर नया उज्ज्वला कनेक्शन के लिए आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने 3 गैस एजेंसियों के नाम दिखाई देंगे, जिसमें आप उचित विकल्प का चयन करें कि आपको कौन सा गैस लेना है। अब आपने जिस गैस एजेंसी का चयन किया है उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद उज्ज्वला न्यू कनेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करें और हर बार डिस्क्रियल का चयन करें। अब अपना राज्य और जिला चुनें और सूची दिखाई के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने जिले के वितरणों की सूची खुल जाएगी, जिसमें आप नज़दीकी वितरण का चयन करें। इसके बाद आपको जारी रखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिससे एक नया पेज खुलेगा।
अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करने का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आपको आवेदन फॉर्म में ज़रूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। अब अपने ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह आपका पीएम उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है कि पीएम उज्ज्वला योजना 2024 के बारे में, पीएम उज्ज्वला योजना 2024 को लेकर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने इसके अंदर दी है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों, लाइक कॉमेंट शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।